नमस्कार मेरे छात्रों, आज हम कक्षा दसवीं विषय हिंदी पाठ सातवां है खुला आकाश। पाठ के लेखक है कुंवर नारायण जी। तो देखते हैं कुंवर नारायण जी का परिचय। उनका जन्म हुआ है 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रहे हैं। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखन चलाई है। आपकी कविता कहानियाँ का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियां है चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं। इन तीनों आदि प्रमुख कृतियां प्रसिद्ध हैं। लेखक ने गद्य संबंधी बताया है। प्रस्तुत डायरी में विधा के कुंवर नारायण जी के जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों के वाद विवाद न कर सके स्वयं से संवाद करना चाहिए। तभी देखते हैं पाठ में कुंवर नारायण जी परिचय में कुंवर नारायण जी ने क्या कहा है। कुंवर नारायण जी ने खुला आकाश के माध्यम से हमारे समाज की स्थितियां रख दी है। लेखक ने अपने विचार खुला आकाश के पूरक पठन में लिखा है और स्थिति में लेखक ने समाज की स्थिति का वर्णन किया है। समाज की स्थिति का वर्णन इस पाठ में खुला आकाश पाठ में वर्णन किया है। मतलब आज के ज़माने में समाज में क्या चल रहा है, समाज की स्थिति क्या है, समाज में कितनी भीड़ है, कितने मकान है। कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के माध्यम से नगरों की भेंट, वहाँ जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन इस बारे में प्रकाश डाला है। तो देखते हैं खुला आकाश। तो पहला परिच्छेद देखते हैं अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। यहाँ देखो निर्जीव यानी जिसमें जीव ना हो। निर्जीव यानी जिसमें जीव ना हो उसे कहते हैं निर्जीव। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतर दुनिया भी नहीं, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों से सिर्फ अपने के लिए नहीं तो निस्वार्थी अर्थों में दूसरे के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने के लिए तो विशेष महत्व रखता है। ये परिच्छेद में लेखक ने बताया है हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बाहर की दुनिया कहीं ज़्यादा बड़ी है, इससे लेखक ने कहा है अंदर की दुनिया यह है कि आत्मचिंतन या आत्मिक विचार ठीक है। हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है। मतलब हम जो भी विचार करते हैं, जो भी सकारात्मक विचार करते हैं, ये दुनिया के बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है। क्योंकि हम बाहर की दुनिया का विस्तार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर की जो दुनिया है इसका विचार उससे विस्तार कर सकते हैं। ये परिच्छेद में लेखक ने अंदर की दुनिया को बहुत बड़ा महत्व दिया है। अभी देखते हैं आगे का परिच्छेद मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेट भी नहीं है, न पेट लगाने की गुंजाइश है। मकान ही मकान है।
इतने मकान की लगता है कि मकान पर मकान लंदे हैं। लनफन मकानों की एक बहुत भीड़ जो एक सैकड़ी गली की फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखाती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद इधर उधर कुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ निकाल सकते हो। मैं ऐसी सैकड़ी और तंग गली में मकानों की बहुत बड़ी भीड़ से बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान एवं हरियाली के अभाव से जूतने अपने मोहल्ले से बाहर निकालने की भारी कोशिश करती हूँ। इस परिच्छेद में लेखक ने कहा है हमारी मकान की स्थिति रख दी, मकान का वर्णन किया है कि जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ की गली में मकान ही मकान दिखता है। जैसे हम कहते हैं आजकल सभी मकान सीमेंट के हो गए। लंदफंद यानी अव्यवस्थितता, मतलब मकानों का कोई भी रचना नहीं है, स्थिति नहीं है। इस प्रकार लेखक का यही कहना है कि आजकल मकानों की भीड़ भी लगी है। अभी देखते हैं आगे का परिचय। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देख सकते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। यहाँ देखो साहित्य का मतलब होता है समाज और हित का हित, जिसने वो साहित्य जिसे हम मराठी में वाङ्मय कहते हैं, यही साहित्य और संपूर्ण साहित्य का वह है जिसे हम दोनों आंखों से देख सकते हैं। साहित्य गीले वस्त्रों का जैसा होता है क्योंकि जिस प्रकार गीले वस्त्रों सुखाने के लिए वातावरण में रखते हैं तो वातावरण के धूलिकण उस कपड़े को चिपक जाते हैं, उसी प्रकार समाज में साहित्य प्रकार चलता है लेकिन वही छप देता है, मतलब साहित्य समाज का एक दर्पण है। तो ये सही साहित्य होना चाहिए क्योंकि सही और गलत हम दोनों आंखों से देख सकते हैं। किसी का कहना न मानते हुए हम दोनों आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं सही है क्या नहीं। आगे का परिच्छेद है जाने खुद को। क्या है? जाने खुद को, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, कोशिश करे कि दूसरे या सब कभी कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है जो दूसरे के बारे में कुछ जानने का दम रखते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरे की रक्षा होगी। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हैं वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं, दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। जाने खुद को, ये परिच्छेद में लेखक ने कहा आजकल बहुत से लोग हैं जाने खुद को, मतलब मैं कौन हूँ ये नहीं जानते, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते। आत्मचिंतन करें, कोशिश करें कि दूसरे या सब आत्मचिंतन के बीच में न आए, मतलब जब हम आत्मचिंतन कर रहे हैं तो हमारे बीच में दूसरों को छड़ी भी नहीं आनी चाहिए। आत्मचिंतन से वो दो फायदे होंगे, एक तो हम अपने खुद को जान सकेंगे कि हम क्या है,
और जो दूसरे के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और दूसरा है हमारे उस हास्य चेहरे से दूसरे की रक्षा होगी जिससे प्रतीक्षण मौजूद रहेगी, जिससे हमारी प्रतीक्षण मौजूद रहेगी। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। जैसे कोई कोई लोग सोचते हैं दूसरे के बारे में नकारात्मक विचार, कभी भी अपने मन में सकारात्मक विचार होनी चाहिए। कौन सा भी काम करने से पहले अपनी जीवन शैली सकारात्मक बनना चाहिए। सक्सेस हो ना हो, बट गलत विचार मन में नहीं रखना चाहिए। गलत विचार रखने से गहर विचार अगर फायदा निर्माण होता है और अपने विचार बदल जाता है। इसलिए हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार, लेखक ने भी वही कहा है, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं अंत में है, हमारे ही प्रतिरूप हमारे हमसे अलग या भिन्न नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं खुला आकाश पाठ में भाग दूसरा, सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िया, लकड़ बग्गे, सांप, तेंदुर, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, तो कुछ लोग आदमी, गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? तो जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसी सारी गाय गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते तो, बट ऐसा नहीं होता। सारे मनुष्य मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। यह मनुष्य प्रवृत्ति है। लेखक का यही कहना है कि समाज में जीते समय बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आदमी होने के बावजूद भी आदमी नहीं तो क्या फायदा है। आदमी के अंदर बाघ, भेड़िया, लकड़ बग्गे, सांप, तेंदुर, बिच्छू, गोजर इस तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग गाय, बकरी, भेड़ इस तरह लोग रहते हैं, बट बाघ केवल बाघी रहते हैं, और कुछ लोग गाय, सारी दुनिया गाय केवल गाय और रहती है। यह पाठ में लेखक ने लोगों के अलग अलग स्थितियों का, उनके स्वभाव का वर्णन किया है। बहुत से आदमी तो है, बट उनके अंदर क्या क्या होते हैं इस परिच्छेद में दिखाई देता है। आगे है लुका छिपाकर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छुपाकर बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को नहीं जान जाए। लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन को खुला सहज से जीवन जीना बहुत पसंद है। चीजों को छुपाकर बातों को रचा बस कर जीना सख्त ना पसंद है। लेखक का यही कहना है, लोगों के पास एक रहता है एक और बताता है अलग। जैसे कि लोग कहते हैं मेरे पास बहुत बंगला है, परंतु उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी होती है, और यही बात लेखक को खटकती है, जो भी खुले आम से बताना चाहिए। आखिर वह यही असलियत है, इतनी गंदी और धूर्त क्यों ना हो, उसे छिपाना जरूर लगे। आगे है जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यह अर्थ नहीं कि जीवन में कुछ कम वर्ष बचे हैं, यह तत्व तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापन खास बात है। जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ पाता हूँ, या अपने के लिए उसे क्या पता है।
ऐसा कुछ जिसका सबसे सब उसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में से साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने के लिए अभिजब पाता हूँ। लेखक ने कहा है, जीवन के तीन भाग है, एक बचपन, यौवन और बुढ़ापा। मनुष्य की यही तीन बातें हैं, मनुष्य की बचपन, यौवन, बुढ़ापा, यही तीन बातें हैं। ये परिच्छेद में लेखक कहता है, चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, जिस प्रकार हम जवानों में जीते हैं, उसी प्रकार बुढ़ापे में भी आनंदपूर्वक जीवन जीना चाहिए। इस कारण लेखक ने बूढ़े होने के बावजूद भी साहित्यिक चेष्टा मतलब साहित्य को लिखने का प्रयास किया है। यही उनके जीवन का एक अविभाज्य घटक है। 75 का को रहा हूँ और यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यही आसमा आहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी मेरे साथ अब तो, या अब वह सवाल अपनी जगह बना सकता है, जीवन को किस तरह जिया जाए सार्थकता से अपने के लिए दूसरों के लिए है। लेखक का कहना है, जैसे जीवन में जीवन जिया है उस तरह ही अभी बुढ़ापे में जीवन जीना अच्छी बात है। आगे है दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस है, सवारिया में लन फन वह वक्त चलायमान है। दिल्ली में रहने का मतलब ही कहीं पायदान बराबर, दो कमरे में दो पांव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो भर उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। लेखक दिल्ली में एक घर ढूंढ रहा है। शहर जैसे बहुत ही बड़ी बस है, दिल्ली के शहर में रहने का मतलब कहीं पायदान के बराबर तो नहीं, तो दो कमरे के पाँव टिकाकर किसी तरह कहीं लटक जाओ कहीं लटके रहो भर उम्र भर, ये बताया है। आगे है बहाने निकलना, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसे लिए रास्ता निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए बहाना निकालते हैं। जैसे देखो, आपको कौन सा भी काम करना है, मन से करना है तो मार्ग निकलता है, बट वो काम आपको मन से नहीं करना है, बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बहुत सारे बहाना मिलता है कि मुझे एक काम नहीं करना है, मुझे एक काम नहीं जम रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए अपना मन सकारात्मक करनी चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आगे है अपने से बहस दूसरे से नहीं अपने से करनी चाहिए। सच्चाई हाथ लगती है, दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों के बहस के केवल झगड़ा हाथ लगता है। चीज़ों की गुलामी, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा है, आजकल उसकी गुलामी है। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा, फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीजों एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे, अब हर चीजों के दर्जनों गुलाम होते हैं। इस परिच्छेद में लेखक ने कहा है, कंप्यूटर ज्ञान का प्रसार कैसा हुआ है। कंप्यूटर इस पृथ्वी पर एक कल्पवृक्ष के समान है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इसका महत्व न हो। सूचना के क्षेत्र में कंप्यूटर के कारण एक अद्भुत क्रांति आ गई है। इंटरनेट की इसकी अनुपम देनी चाहती है। दुनिया भर की
दुनिया भर की जानकारी हम मिनटों में प्राप्त कर दे सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर है। यह एक सेकंड में 10,000 करोड़ गणितीय गणना कर सकता है। चाहे मौसम का पूर्वानुमान हो या प्राकृतिक गैस और खनिज भंडारों का पता लगाना हो, रेलगाड़ियां और हवाई जहाजों का आरक्षण करना, संसार भी जानकारी प्राप्त करनी है तो कंप्यूटर के द्वारा घर बैठे हम मिनटों में कर सकते हैं। यही समय है, समय पर भौगोलिक सूचनाओं संबंधित जानकारी भी दे सकता है। कंप्यूटर एक चालक भी वायुयान का एक संचालन करता है। चालक के बटन दबाते हैं, कंप्यूटर स्वयं गति और दिशा का निर्धारण कर लेता है। शिक्षा क्षेत्र में तो आज कंप्यूटर एक अनिवार्य बन गया है।